बसंत ऋतु का महत्व और उसकी कथा। बसंत ऋतु में प्रकृति का सौंदर्य मन को बहुत मोहित करता है। इस ऋतु का स्वागत करने के लिए माघ महीने के पांचवें दिन भगवान विष्णु और कामदेव की पूजा की जाती है, जिससे यह बसंत पंचमी के नाम से प्रसिद्ध है। बसंत पंचमी का संबंध रामायण काल से भी जुड़ा हुआ है। इसी दिन भगवान राम सीता जी की खोज करते हुए शबरी की कुटिया में पहुंचे थे। शास्त्रों में बसंत पंचमी को ऋषि पंचमी के नाम से उल्लेखित किया गया है। बसंत पंचमी को श्री पंचमी और सरस्वती पंचमी के नाम से भी जाना जाता है। बसंत पंचमी के दिन को देवी सरस्वती के जन्मोत्सव के रूप में भी हम मनाते हैं। यह एक हिंदू त्योहार है जो आम तौर पर फरवरी में बसंत ऋतु के दौरान मनाया जाता है। इस शुभ दिन पर देवी सरस्वती की पूजा की जाती है। देवी सरस्वती जो कि ज्ञान, संगीत और शिक्षा की देवी हैं। बसंत पंचमी को हम श्री पंचमी या ज्ञान पंचमी भी कहते हैं। यह त्योहार माघ महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को पड़ता है। हिंदू परंपराओं के अनुसार पूरे वर्ष को 6 ऋतुओं में बांटा गया है, जिनमें बसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु और हेमंत ऋतु और शिशिर ऋतु शामिल है। इन ऋतुओं में से बसंत ऋतु को सभी ऋतुओं का राजा कहा जाता है और इसी कारण जिस दिन से बसंत ऋतु की शुरुआत होती है उस दिन को हम बसंत पंचमी के नाम से जानते हैं। बसंत पंचमी जीवन में नई चीजें शुरू करने के लिए एक बहुत ही शुभ दिन माना जाता है। बहुत से लोग इस दिन गृह प्रवेश अर्थात नए घर में प्रवेश करते हैं, कोई नया व्यवसाय शुरू करते हैं या महत्वपूर्ण परियोजनाएं शुरू करते हैं। इस त्योहार को अक्सर समृद्धि और सौभाग्य से जोड़ा जाता है। बसंत पंचमी के साथ यह माना जाता है कि इस दिन से बसंत ऋतु की शुरुआत होती है, जो कि फसलों की कटाई के लिए एक बहुत अच्छा समय है। कड़ाके की ठंड के बाद इस त्योहार को बसंत का पहला दिन फसल कटने का समय माना जाता है। चूंकि भारत मुख्य रूप से कृषि प्रधान देश है, इसलिए यह समझ में आता है कि यह त्योहार भारतीयों के दिल में काफी महत्वपूर्ण स्थान रखता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन माता सरस्वती प्रकट हुई थी, इसलिए इस दिन बसंत पंचमी को सरस्वती माता की विशेष पूजा का आयोजन किया जाता है। माँ सरस्वती को विद्या और बुद्धि की देवी माना जाता है। बसंत पंचमी के दिन माता सरस्वती से विद्या, बुद्धि, कला और ज्ञान आदि का वरदान मांगा जाता है, इसलिए लोगों को इस दिन पीले रंग के वस्त्र पहनने चाहिए और पीले फूलों से देवी सरस्वती माँ की पूजा करनी चाहिए। हिंदी पौराणिक कथाओं के अनुसार ऐसा माना गया है कि भगवान ब्रह्मा ने इसी दिन ब्रह्मांड का निर्माण किया था। सृष्टि की रचना करके जब उन्होंने संसार में देखा तो उन्हें चारों ओर सुनसान निर्जन ही दिखाई दिया। वातावरण बिल्कुल शांत लगा, जैसे किसी की वाणी ही न हो। यह सब देखने के बाद ब्रह्मा जी संतुष्ट नहीं हुए। तब ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु से अनुमति लेकर अपने कमंडल से पृथ्वी पर जल छिड़का। जल छिड़कने के बाद एक देवी का प्राकट्य हुआ। देवी के हाथों में वीणा थी। भगवान ब्रह्मा ने उनसे कुछ बजाने का अनुरोध किया ताकि पृथ्वी पर सब कुछ शांत न हो। परिणाम स्वरूप देवी ने कुछ संगीत बजाना शुरू कर दिया। तभी से उस देवी को वाणी और ज्ञान की देवी माँ सरस्वती के नाम से जाना जाने लगा और उसी दिन से बसंत पंचमी का त्योहार हम माँ सरस्वती को समर्पित करते हुए मनाने लगे। इसी प्रकार की
अन्य व्रत एवं पौराणिक कथा कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें, ताकि आप भी दूसरों तक इन्हें पहुंचाकर धर्म लाभ प्राप्त कर सकें।